करना है खास तो चलो हमारे साथ, करना है खास तो चलो हमारे साथ, सिविल की बात गुरु जी के साथ। हेलो इंजीनियर्स, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है सिविल गुरु जी द सिविल इंजीनियर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में। मैं कॉर्पोरेट ट्रेनर किशन ओझा आज आप लोगों के लिए लेके आया हूँ साइट इंजीनियर्स के लिए पॉकेट डेटा, मतलब एक पॉकेट डायरी, जो हम साइट इंजीनियर्स जो एग्जीक्यूशन के टाइम पे हमको जो जो चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी वो सब चीज़ें इस नोट्स में आप लोगों के लिए अवेलेबल है। तो सबसे पहले अगर मैं देखूं कि ये नोट्स में क्या अवेलेबल है आप लोगों के लिए, तो ये नोट्स में आपको एग्जीक्यूशन वर्क में बहुत हेल्प लगेगी। मतलब कि यहाँ पे आपको यूनिट कन्वर्जन दिए हुए हैं, कन्वर्जन यूनिट्स दी हुई हैं, कैलकुलेशन फॉर स्टील कॉन्क्रीट्स एंड मेजरमेंट्स टेकन बिफोर एंड आफ्टर कॉन्क्रीटिंग प्लास्टरिंग शटरिंग, और क्या क्या इक्विपमेंट्स हम लोग यूज़ करते हैं कंस्ट्रक्शन साइट में, वो सब चीज़ें आपको इस नोट्स में अवेलेबल मिलेगी। सबसे पहले यूनिट कन्वर्जन में किसी को प्रॉब्लम है यहाँ से देख सकता है वो और जान सकता है कि कौन सी किसकी वैल्यू होती है, किस में हम यूनिट कन्वर्जन कर सकते हैं। फिर कन्वर्जेशन टेबल्स आप लोगों के लिए अवेलेबल हैं। उसके बाद जो हमारे स्टैंडर्ड कन्वर्जेशन फैक्टर होते हैं वो होता है आपका इंच, फुट, यार्ड, माइल, एकड़, ये सब डेटा आप लोगों के लिए अवेलेबल है, जिसमें आपको यूनिट वेट, जो भी मटेरियल्स आप यूज करते हैं साइट में उन सब के यूनिट वेट भी आप लोगों के लिए अवेलेबल है, ताकि आप लोगों का साइट एग्जीक्यूशन का काम बहुत अच्छे से हो सके। जो डिफरेंट टाइप ऑफ कॉन्क्रीट ग्रेड्स होते हैं वो ग्रेड्स के बारे में भी दिया हुआ है। उसके बाद में अगर डिजाइन मिक्स की बात करूं तो M15 का अगर है तो M15 का रेशियो 1:4 होता है। फिर उसमें कितना सीमेंट यूज करोगे आप, कितना सैंड यूज करोगे, कितना एग्रीगेट यूज करोगे, कितना पानी मिलाओगे, सब चीजें आप लोगों को इस नोट्स में अवेलेबल मिलेंगी। M15 से लेके M20, M25 इन सब का आपको मिक्स डिजाइन अवेलेबल है। फिर उसके बाद हम लोग को देखना होता है कि साइट में जो हमारे पास रॉड्स आई हैं उनका कैलकुलेशन, तो उनका यूनिट वेट कितना होता है, 6 mm से लेके 40 mm तक के रॉड्स के लिए अवेलेबल है। फिर क्लियर कवर, जो हम लोग कवर प्रोवाइड करते हैं जब भी हम लोग कॉन्क्रीट कराते हैं कॉन्क्रीट और रिइंफोर्समेंट के बीच में, वो कवर्स आप लोगों के लिए अवेलेबल है। फिर 1 meter लेंथ स्टील के लिए हम लोग कैसे निकालते हैं, उसका क्या फॉर्मूला होता है, वो सब दिया हुआ है आप लोगों के लिए। फिर जो रेशियो है उस रेशियो का हेल्प करके आप कैसे क्वांटिटी सर्वे करेंगे और कैसे सीमेंट सैंड एग्रीगेट की क्वांटिटी निकालेंगे, ये सब अवेलेबल है आपको इस नोट्स में। फिर मटेरियल कैलकुलेशन है, सीमेंट बैग्स में अगर आप PCC करा रहे हैं तो आपको कितना बैग लगेगा, 1-5-10 में, फिर 1-4-8 में, 1-2-4 में, क्या क्या कितने कितने बैग्स लगेंगे, सब आपके लिए अवेलेबल है। सैंड कैलकुलेशन, जैसे सीमेंट का बैग्स आप निकाल रहे हैं वैसे सैंड कैलकुलेशन प्लास्टर के लिए, ब्लिक वर्क के लिए, सब के लिए आप लोगों के लिए इसमें अवेलेबल है। नेक्स्ट जो मैं बताने वाला हूँ वो ब्रिक्स के बारे में है। ब्रिक्स में हम लोग क्या क्या चीजें चेक करते हैं साइट में और क्या क्या स्टैंडर्ड साइज होती है वो सब आप लोगों के लिए अवेलेबल है। क्या वॉल्यूम होता है, क्या फिजिकल टेस्ट ऑन सीमेंट, जो आप फिजिकल टेस्ट कर सकते हैं साइट में, वो क्या क्या टेस्ट होते हैं और कैसे होते हैं, वो सब चीजें एक ही नोट्स में आप लोगों के लिए अवेलेबल है। फिर क्या कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट होता है, क्यूब मेथड कैसे करते हैं हम लोग और कब करना पड़ता है, ये टोटली एज पर आपके साइट कंडीशन के हिसाब से ही बनाया गया है। सीमेंट बैग की स्पेसिफिकेशन में हम लोगों को क्या क्या चीजें देखनी पड़ती हैं और कैसे उस चीज को कैरी आउट करना होता है। अगर चेकलिस्ट की बात करूं, मतलब आप साइट में गए आपका शटरिंग का काम हो रहा है तो आप क्या क्या चीजें चेक करेंगे उसके बारे में दिया है। रीइंफोर्समेंट हो रहा है उसके चेकलिस्ट आपके लिए अवेलेबल है। कॉन्क्रीटिंग हो रहा है उसके लिए जो चेकलिस्ट होनी चाहिए वो भी अवेलेबल है। फिर एक थंब रूल मैंने आप लोगों के लिए बनाया जो एक अप्रोक्सीमेटली आपको एक डेटा दे देगा कि कितना आपका मटेरियल या कितने क्वांटिटी आपका आने वाला है इन सब वर्क के लिए। ये सब चीजें आप लोगों के लिए अवेलेबल है। जो डी शटरिंग टाइम होता है हमारा, जो स्ट्रेबिंग टाइम होता है एज पर IS 456-2000 के अकॉर्डिंगली हमको शटरिंग कब रिमूव करना चाहिए, वो सब चीजें इसमें आप लोगों के लिए अवेलेबल है। फिर पॉइंट्स टू रिमेंबर ड्यूरिंग कॉन्क्रीट, आप कॉन्क्रीट कराते वक्त क्या क्या चीजों का ध्यान रखेंगे, ये टोटली आप लोगों के लिए साइट एक्सपीरियंस के थ्रू ही बनाया गया है। ये चीजें आप लोगों को कहीं नहीं मिलेंगी, ये सब चीजें आप लोगों के लिए अवेलेबल है। फिर उसके बाद पॉइंट्स टू रिमेंबर ड्यूरिंग ब्रिक वर्क कराते टाइम आपको क्या क्या बातें ध्यान रखनी है, प्लास्टर कराते टाइम आपको क्या क्या बातें ध्यान में रखनी है, वो सब चीजें आप लोगों के लिए। ड्यूरिंग शटरिंग के टाइम पे आपको क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है,
ताकि आपका काम अच्छी क्वालिटी के साथ साथ सही तरीके से भी हो। फिर नेक्स्ट है आपका टेस्ट रिजल्ट्स रिक्वायर्ड बिफोर एग्जीक्यूशन। जब आप एग्जीक्यूशन का काम स्टार्ट करते हैं साइट में तो क्या क्या टेस्ट होते हैं कॉन्क्रीट के लिए, सैंड के लिए, एग्रीगेट के लिए, ब्रिक वर्क के लिए, स्टील के लिए, वो सब चीजें आप लोगों के पास डेटा होना चाहिए उसका, और क्या क्या टेस्ट होते हैं वो सब के बारे में दिया हुआ है। फिर नेक्स्ट है आपका सेफ्टी मेजर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप गवर्नमेंट में काम कर रहे होंगे या गवर्नमेंट का कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे होंगे, वहां पे आप लोगों को सेफ्टी मेजर्स का बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है। वही सेफ्टी मेजर्स क्या क्या होने चाहिए टोटली, जैसे ग्लव्स होना चाहिए, वेस्ट होना चाहिए, गम बूट्स होने चाहिए, हेलमेट होने चाहिए, और कैसे हम लोगों को क्या क्या क्यों यूज करना चाहिए, वो सब के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है। क्या क्या हमको सेफ्टी मेजर्स रखते हुए अपने प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाना है, पूरे टोटली यहाँ सेफ्टी मेजर्स के बारे में बात हुआ है। और जब एक साइट इंजीनियर जब साइट विजिट करता है तो उसके पास क्या क्या चीजें होनी चाहिए, कैसे उसको मेजरमेंट्स लेनी चाहिए, वो सब चीजें आप लोगों के लिए अवेलेबल है कि वॉल्यूम क्या होता है, एरिया क्या होता है, लेबर रिक्वायर्ड फॉर डिफरेंट वर्क, आप यहां से एक डेटा उठा सकते हैं। जैसे अगर आप अर्थ वर्क करा रहे होंगे तो अर्थ वर्क में आपको कितना बेलदार, कितने मजदूर लगेंगे, वो सब चीजें भी एक अप्रोक्स डेटा जिसकी हेल्प से आप अपने साइट एग्जीक्यूशन को कर सकते हैं। सीमेंट कंक्रीट वर्क के लिए दिया गया है यहाँ, आरसीसी वर्क, ब्रिक वर्क, फिनिशिंग सबके लिए आपके लेबर की क्वांटिटी एक अप्रॉक्स डेटा दिया गया है, जिससे आप मैनिपुलेट करके अपने साइट का भी डेटा निकाल लेंगे कि आपको कितने लेबर्स की जरूरत पड़ेगी। फिर इसके साथ साथ में ही आप लोगों को इसमें फॉर्मेट फॉर एस्टिमेशन शीट भी मिल रहा है कि कैसा फॉर्मेट बनता है, उसके साथ साथ में ही फॉर्मेट फॉर बिल ऑफ क्वांटिटी की भी शीट आपको मिल रही है। फिर रिइंफोर्समेंट डिटेल्स की बात करें तो FE 250 क्या होता है, FE 415 क्या होता है, FE 500 क्या होता है, जो हम लोग साइट में यूज करते हैं। जनरली आजकल हम लोग TMT बार्स यूज करते हैं जो कि अभी बहुत ज्यादा यूज हो रहे हैं, वो क्यों यूज हो रहे हैं, वो सब चीजों के बारे में दिया गया है। जो कॉन्ट्रैक्टर्स प्रॉफिट एंड ओवरहेड कॉस्ट लेते हैं तो टोटली आपको कॉन्ट्रैक्टर्स प्रॉफिट और ओवरहेड के बारे में समझाया गया है कि क्या क्या चीजें कंसिस्ट करता है एक ओवरहेड में। फिर ड्राई कोफिशियंट्स फॉर कॉन्क्रीट, जो हम लोग ड्राई कोफिशियंट लेते हैं वो कैसे निकालते हैं और कैसे लेते हैं। फिर ड्राई कोफिशियंट फॉर मोर्टार आप लोगों के लिए है। फिर टर्मिनोलॉजीज जो हम लोग साइट में यूज देखते हैं कि सेग्रीगेशन आ रहा है, ब्लीडिंग आ रहा है, उन सब चीजों को हम लोग कैसे रोक सकते हैं और वो किन कारणों से होता है। फिर टाइप्स ऑफ सीमेंट की बात करें तो डिफरेंट डिफरेंट वर्क के लिए आपके डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीमेंट यूज होते हैं, उन सब के बारे में यूजेस लिखा हुआ है कि आप कौन सा सीमेंट कहाँ पे यूज करेंगे और वो एक दूसरे से कैसे डिफर करते हैं। फिर प्लास्टरिंग डिफेक्ट्स के बारे में दिया है कि क्या क्या डिफेक्ट आता है प्लास्टरिंग में, उसकी रेमेडीज की प्लास्टरिंग करते टाइम आपको क्या चीजों का ध्यान रखना है, क्या रेमेडी होगी आपके जो भी सीपेज आ रहे हैं उन सबको बचाने के लिए, पूरी रेमेडीज दी हुई है आपको जिसको आप बिल्कुल यूज करके अपने साइट में यूजफुल हो सकता है आप लोगों के लिए। फिर क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रिक, कैसे आप पहचानेंगे कि फर्स्ट क्लास ब्रिक यूज हो रहा है आपके साइट में कि सेकंड क्लास, थर्ड क्लास या फोर्थ क्लास, तो उसके बारे में एकदम डिटेल में दिया हुआ है कि आप कैसे पहचान सकते हैं अपनी ब्रिक्स को, वो पूरा टोटली दिया हुआ है इसमें। और उसके साथ साथ में आप मेथड ऑफ हैंड मिक्सिंग, कहीं कहीं आप लोगों ने देखा होगा कि जनरली जो मोर्टार है हम लोग हैंड मिक्सिंग के थ्रू बनवाते हैं तो वो कैसे बनता है और उसमें क्या क्या चीजें होती है वो सब आपको इस पूरे शीट में मिल जाएगा। कैसे हम लोग प्रोसीजर ऑफ हैंड मिक्सिंग, कैसे हम लोग उसको हैंड मिक्सिंग कराते हैं, पूरा हर एक चीज आप लोगों के लिए अवेलेबल है। फिर प्रिकॉशन ड्यूरिंग हैंड मिक्सिंग, क्या क्या चीजों को ध्यान में रखना पड़ता है जब भी हम लोग हैंड मिक्सिंग कराते हैं, क्योंकि मशीन मिक्सिंग और हैंड मिक्सिंग में बहुत ज्यादा फर्क है, वो फर्क आप यहां से समझ पाएंगे कि हैंड मिक्सिंग में हम लोगों को क्या क्या चीजों को ध्यान में रखना पड़ता है। पूरा टोटली आप लोगों के लिए हैंड मिक्सिंग का पूरा हर एक चीज दिया हुआ है कि कैसे आप करेंगे, कितने टाइप्स के आपके रेडीमिक्स कॉन्क्रीट प्लांट्स होते हैं जो आप मंगवाते हैं साइट में। फिर यहाँ लास्ट बात करें तो कंस्ट्रक्शन टूल लिस्ट की, यहाँ टोटली आप लोगों के लिए जो कंस्ट्रक्शन में हम लोग टूल्स यूज करते हैं कैसे दिखते हैं और उनका यूज क्या है, वो सब चीजें आप लोगों के लिए यहाँ अवेलेबल है। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे आप लोगों को पूरा डायग्राम्स के थ्रू बताया गया है। किसी ने मेरे से पूछा था कि फ्लोट का मतलब क्या होता है, फंटी, तो उसके लिए बहुत यूजफुल रहेगा साइट में, क्योंकि हम लोग को जब यूज करना होता है तो हमको समझ नहीं आता कि हमारे इक्विपमेंट्स का नाम क्या है। आप वहां से नाम समझ सकते हैं और उसका यूज
और वो कैसा दिखता है। तो ये सब चीजें आप इन पूरे लिस्ट में सीखेंगे कि प्लंब बॉब कैसे यूज करते हैं, प्लंब बॉब भोगता क्या है, ट्रॉवल्स क्या होते हैं, ये सब चीजें आप लोगों के लिए टोटली अवेलेबल है। तो आज ही देखिए www.civilguruji.com पे और आप ये पॉकेट डायरी साइट इंजीनियर्स के लिए रख सकते हैं, जो आप डे टू डे लाइफ में आप कैरी कर सकते हैं और इससे बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं और अपने एग्जीक्यूशन में हेल्प कर सकते हैं। ये टोटली आप लोगों के लिए एज पर एक्सपीरियंस, जो हमारे जितने भी ट्रेनर्स हैं उन सब का एक्सपीरियंस मिला के ये नोट्स आप लोगों के लिए बनाया गया है, ताकि क्या क्या डिफिकल्टी आती है एक साइट इंजीनियर को साइट में काम करते टाइम, तो उसको देखते हुए आप लोगों के लिए ये नोट्स बनाया गया है। अगर आप चाहते हैं कि ये नोट्स आपको भी मिल सके तो आप आज ही विजिट करें www.civilguruji.com पे, या आप कॉल कर सकते हैं 9111001234 पे। मैं ऐसे ही वीडियोस आप लोगों के लिए लाते रहूंगा, मेरे साइट इंजीनियर्स के लिए यूजफुल डेटास मैं लाते रहूंगा। अगर ये टॉपिक अच्छा लगा होगा तो अभी सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए, ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगर अच्छा लगा हो ये वीडियो तो लाइक बटन प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।